हेलो गाइस, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो जो कि इंस्टाग्राम में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है? दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है अपन तक जरूर देखिएगा एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप VN एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली कोने में देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फोटो वाले सेक्शन पर जाना है और आप जिस भी फोटो से स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली उसी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली ऊपर की तरफ ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है। 9:16 को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपने इमेज के लास्ट में चले जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर ब्लैक इमेज को कर देना है डिलीट। जैसे ही आप ब्लैक इमेज को डिलीट कर दोगे उसके बाद आप जितने सेकंड का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली उतने सेकंड इस फोटो को बढ़ा लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर 18 सेकंड बढ़ा लिया हूँ। उसके बाद आपको सिंपली फोटो के शुरू में आ जाना है और आपको सिंपली नीचे की तरफ देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर बेसिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली इसके ब्लर का जो साइज़ है आपको सिंपली यहाँ पर 45 रख देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर 45 रख देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली थर्ड में देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फिर से फोटो वाले सेक्शन पर जाना है और आपको सिंपली उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो फोटो अभी अभी आपने की हुई थी। जैसे ही आप फोटो को सिलेक्ट कर लोगे आप देख सकते हो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर कटआउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली कटआउट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों हमारी फोटो का जो बैकग्राउंड है वह यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली डन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप डन पर क्लिक करोगे आपको सिंपली इस इमेज का साइज कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है, जितना मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप सिंपली उतने बढ़ा लीजिएगा। इमेज का साइज बढ़ाने के बाद आपको सिंपली इस इमेज का साइज भी आपको सिंपली आपने स्टेटस वीडियो के अंदर कर देना है। स्टेटस वीडियो के अंदर करने के बाद आपको सिंपली आपने स्टेटस वीडियो को शुरू में आ जाना है और आपको सिंपली फिर से कर देना है थर्ड में प्लस वाले आइकन पर क्लिक और आपको यहाँ पर वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली देखिए ऊपर की तरफ एल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले फोल्डर को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फोटो वाले सेक्शन पर जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर एक ब्लैक शैडो PNG ऐड करनी होगी, जिस ब्लैक शैडो PNG का लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सिंपली वहाँ से जाकर ब्लैक शैडो PNG को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली ब्लैक शैडो PNG को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक शैडो PNG को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसका जो साइज़ है कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है और इसको कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। जैसे ही आप बढ़ा दोगे तो आपको सिंपली इसको अच्छी तरह से यहाँ पर नीचे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपको सिंपली इस ब्लैक शैडो PNG का साइज भी आपको सिंपली आपने स्टेटस वीडियो के अंदर कर देना है। जैसे ही आप स्टेटस वीडियो के अंदर कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली वीडियो को शुरू में आ जाना है, थर्ड में प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली यहाँ पर एक सॉन्ग वीडियो दे दूंगा, तो आप सिंपली उसी सॉन्ग वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सॉन्ग वीडियो को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ देखिए फिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली फिट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और आपको सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सिंपली ब्लेंडिंग पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रीन को सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे सॉन्ग वीडियो का जो बैकग्राउंड था ब्लैक कलर का वह यहाँ पर रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ ला लेना है और आपको सिंपली सॉन्ग वीडियो के लेयर को आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ला लेना है कुछ इतने में। जैसे ही आप ला लोगे उसके बाद आपको सिंपली स्टेटस वीडियो के शुरू में आ जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर इमेज पर कर देना है क्लिक। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फिर से थर्ड में प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे ही आप वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर फिर से एल वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। और आप जैसे ही डाउनलोड वाले फोल्डर को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर फोटो वाले सेक्शन पर जाना है। जैसे ही आप फोटो वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा, जिस बॉर्डर पीएनजी का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली उस बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन करना है, फिल वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको सिंपल यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाना है, और आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रीन को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इस बॉर्डर पीएनजी का साइज भी आपने स्टेटस वीडियो के अंत तक कर देना है। जैसे ही आपने स्टेटस वीडियो के अंत तक कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से थंबनेल में प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, और आपको यहाँ पर वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करनी होगी, जिस टेम्पलेट वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है, तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली उसी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली फिल वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों हमने जो टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है वह पूरी स्क्रीन में अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, और आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रीन को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो स्टेटस वीडियो है वह लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर एक काम और करना है, आपको यहाँ पर टेस्ट लगाना है। तो आपको सिंपली देखिए सेकंड नंबर में टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और आपको यहाँ पर टेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड ए हेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ऐड ए हेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है, और आपका जो मनपसंद इमोजी है तो आप सिंपली अपने मनपसंद इमोजी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप मनपसंद इमोजी को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस इमोजी का साइज आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है, और इसको अच्छी तरह से आपको सेंटर में कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ला लेना है। जितने में मैं लगा रहा हूँ तो आप सिंपली उतने में लगा दीजिएगा। जैसे ही आप इमोजी को अच्छी तरह से लगा दोगे उसके बाद आपको सिंपली इस इमोजी वाली लेयर का साइज भी आपको सिंपली आपने स्टेटस वीडियो के अंतर कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट वाली लेयर को स्टेटस वीडियो के अंतर कर दोगे उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो स्टेटस वीडियो है वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम आपको चलाकर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो स्टेटस वीडियो है वह कितनी अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो आपको सिंपली इस स्टेटस वीडियो को सेव करने के लिए आप देख सकते हो आपको कोने में तीर का आइकन दिख रहा है, तो आपको सिंपली तीर वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप तीर वाले आइकन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो स्टेटस वीडियो है जो हमने एडिट किया हुआ है वह यहाँ पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।